अस्सलाम वालेकुम मेरे परदेशी भाइयों, आज का वीडियो उन लोगों के लिए बहुत खास होने वाला है जो लोग भी जैन का सिम इस्तेमाल करते हैं। जैन सिम के 10 कोड के बारे में बताने वाला हूं ताकि आप भी इस कोड का इस्तेमाल करके फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आप किसी को फ्री में कॉल करना चाहते हैं ये भी बताने वाला हूं किस तरह से कॉल कर सकते हैं। उसके बाद आपके नाम पर कितना सिम चल रहा है वो भी आप चेक कर सकते हैं और बंद भी करा सकते हैं। उसके बाद आप किसी और के मोबाइल से बैलेंस ट्रांसफ़र करना चाहते हैं अपने मोबाइल में वो भी आसानी से कर सकते हैं। आपके सिम का नंबर क्या है वो भी आसानी से जान सकते हैं। आपके सिम पे कौन सा ऑफर चल रहा है वो भी आज के वीडियो में बताने वाला हूं। और आपके मोबाइल पे जो भी एक्टिवेट हो चुका है पैकेज अगर आप उसे कैंसिल करना चाहते हैं वो भी आसानी से आप कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हमेशा के लिए ऑल पे क्लिक करके आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जान सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा जैन सिम के कस्टमर केयर का नंबर, आप 9599 पे कॉल कर सकते हैं, कस्टमर केयर से बात हो जाएगा। उसके बाद अगर आप इस पे नहीं कॉल कर सकते तो डायरेक्ट इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और लास्ट में इसका व्हाट्सअप नंबर भी बताने वाला हूँ। उसके बाद अगर आप बैलेंस चेक करना चाहते हैं तो *142 यानी 142 हैज डायल करके अपना बैलेंस चेक कर सकते हैं आपके सिम में कितना बैलेंस शो हो जाएगा। उसके बाद अगर आप रिचार्ज करना चाहते हैं तो रिचार्ज करने के लिए *141 यानी 141 स्टार उसके बाद कूपन कोड डालकर हैज डालकर आप ओके पे क्लिक करेंगे आपका रिचार्ज हो जाएगा। उसके बाद अगर आप अपना नंबर चेक करना चाहते हैं आपके सिम का नंबर क्या है, कई लोगों को पता नहीं रहता है, तो यहाँ पे आसानी से निकाल सकते हैं *144 यानी 144 हैज डालकर आप डायरेक्ट अपना नंबर चेक कर सकते हैं, आपके डिस्प्ले पे आपका नंबर शो हो जाएगा। उसके बाद अगर आप इंटरनेट बैलेंस चेक करना चाहते हैं तो *405 यानी 405 हैज डायल करें, उसके बाद ओके पे क्लिक करेंगे आपका जो भी डेटा होगा जो भी इंटरनेट पैकेज होगा वो शो हो जाएगा। उसके बाद मैसेज के जरिए भी चेक कर सकते हैं, मैसेज बॉक्स में जाकर BC लिख कर डायरेक्ट 959 पे सेंड करेंगे तो वहाँ पे भी मैसेज के जरिए आ जाता है, वहाँ पे भी जाकर चेक कर सकते हैं। ये दो तरीका होता है। उसके बाद अगर आपके सिम पे चेक करना चाहते हैं कि ऑफर क्या है वॉइस पैक के लिए या इंटरनेट पैकेज के लिए तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट जाना होगा मैसेज बॉक्स में। मैसेज बॉक्स में जाने के बाद डायरेक्ट आपको 959 डायल करना होगा। उसके बाद नीचे लिखने की जगह पे आपको ऑफर्स लिखकर सेंड करना होगा। उसके बाद उधर से आपके पास पूरा डिटेल्स हो जाएगा, यानी जो भी स्पेशल ऑफर होगा आपके सिम पे वहाँ पे शो हो जाएगा, उसी हिसाब से आप रिचार्ज कर सकते हैं। उसके बाद आपके सिम पे कई पैकेज चालू हो चुका है, आपका बैलेंस कट रहा है, तो इसके लिए आपको डायरेक्ट यहाँ पे मैसेज बॉक्स में जाना होगा। मैसेज बॉक्स में जाने के बाद आपको ऊपर में नंबर डायल करना होगा 1718 और ऊपर नंबर डाल कर देंगे। उसके बाद नीचे मैसेज में लिखना है अनसब्स यानी अनसब्सक्राइबर जैसा होता है ना, उसी हिसाब से यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे इस तरह से डालना है। उसके बाद आप सेंड पे क्लिक करेंगे, जो भी आपके सिम पे पैकेज चल रहा है या जो भी एक्टिवेट हुआ है कैंसिल हो जाएगा, यानी अब बैलेंस नहीं कटेगा, जो भी पैकेज होगा वो कैंसिल हो जाएगा, नहीं तो रिचार्ज करते हैं बैलेंस काट लेता है। उसके बाद आपके नाम पे कितना सिम चल रहा है वो चेक करने के लिए डायरेक्ट मैसेज बॉक्स में जाना है, नंबर डायल करना है 700123 ये डालना है। उसके बाद नीचे लिखने की जगह पे कुछ नहीं लिखना है, इस तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं डायरेक्ट यहाँ पे स्पेस दबाना, यानी जो जगह खाली होता है उसी हिसाब से स्पेस दबा देना है, कुछ नहीं लिखना है, स्पेस डालकर सेंड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद उधर से पूरा डिटेल्स आ जाएगा और वहाँ पे आपके नाम पे कितना सिम चल रहा है वो शो हो जाएगा, लेकिन आपके नाम पे जैन कंपनी का जो भी सिम चल रहा है वहाँ पे शो हो जाएगा। उसके बाद आप CITC एप्लीकेशन के जरिए भी चेक कर सकते हैं कि किस कंपनी का आपके नाम पे सिम चल रहा है। उसके बाद अगर आप बैलेंस ट्रांसफ़र करना चाहते हैं एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में, यानी जैन टू जैन, जैसा कि इससे पहले मैं एक वीडियो बनाया था मोबाइली के कोड के बारे में बताया था, उसमें बैलेंस ट्रांसफर करने का तरीका बताया था किस तरह से मोबाइली टू मोबाइली बैलेंस ट्रांसफर कर सकते हैं, मैंने वो तरीका बताया, आप वो वीडियो भी जाकर देख सकते हैं। तो जैन के लिए जो तरीका है आपको मैसेज बॉक्स में जाना होगा, वहाँ पे डायल करना होगा 702702, तो नीचे मैसेज बॉक्स में BT लिखना है, उसके बाद स्पेस देना है, उसके बाद उसका नंबर डायल करना है, उसके बाद फिर से स्पेस देना है और 20 रियाल, 30 रियाल, 40 रियाल, 50 रियाल तक आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो अमाउंट डाल देना है, उसके बाद सेंड पे क्लिक कर देना है, आपका जो भी बैलेंस होगा वो सेंड हो जाएगा। लेकिन 5 रियाल, 10 रियाल सेंड नहीं होता है, आप 20 रियाल से ऊपर करें बेहतर रहेगा। उसके बाद आप इनका व्हाट्सअप नंबर जानना चाहते हैं, अगर कंपनी से रब्ता करना चाहते हैं, व्हाट्सएप पे कोई सवाल करना चाहते हैं तो आपके लिए ये व्हाट्सअप नंबर है, डायरेक्ट इस व्हाट्सअप नंबर पे सेंड कर सकते हैं, कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा, इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा ताकि और लोग भी इस कोड के बारे में जान सके।